और उत्तराखंड में हुए 6 आईएएस अफसरों के तबादले। मीनाक्षी सुंदरम यूआईडीडीबी एमडी का अतिरिक्त चार्ज मिला है उनको, यानी यूआईडीबी एमडी का अतिरिक्त चार्ज उनको मिला है। विनोद सुमन को कृषि कल्याण सचिव का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। दीपेंद्र कुमार सचिव सामान्य प्रशासन व प्रोटोकॉल बने हैं, और विनीत कुमार को आईटीडीए एवं निदेशक यूसेक का चार्ज दिया गया है। और सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, उत्तराखंड में 6 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। जी देखिए, ये इन अफसरों के, ये जो आईएएस अफसर हैं, इनके कार्यभार में फेरबदल है, इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। उत्तराखंड में तैनात होने वाले अफसर हैं जिनके कार्यभार में फेरबदल हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुख्यमंत्री के सचिव और ताकतवर आईएएस अफसर हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, उनको उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंध निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। ये एक अलग से बड़ा विभाग होगा और इसके जो एमडी हैं वो आईएसआर मीनाक्षी सुंदरम होंगे। सुंदरम के पास नियोजन, ऊर्जा और श्रम जैसे बड़े विभाग हैं। इसके अलावा सचिवालय के सामान्य प्रशासन के जो सचिव थे विनोद कुमार, उनको कृषि कृषक कल्याण दिया गया है। और अब यही कामकाज अभी तक देखने वाले दीपेंद्र चौधरी अब सचिवालय सामान्य प्रशासन देखेंगे। अपर सचिव विनीत कुमार निदेशक आईटीडीए बनाए गए हैं और निदेशक यूसेक। अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान अब निदेशक उद्यान पद से हटा दिए गए हैं। दीप्ति सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है। कुल 6 फेरबदल बड़े रूप से किए गए। बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए।